10 साल अकाली दल की रही, 5 साल कांग्रेस की रही, पंजाब नूं लुट के खा के सब तो हसदा वसदा पंजाब सी जिहड़ा उहनूं सिउंक वांगू खा के जिहड़े उहनां नूं उहदा नहीं बख्शे जाणे हैगे। जदों इलैक्शन आ गईआं उदों बोर्ड लवा के अनाउंसमेंटा करतीआं ते मुड़ के कोई सिरे नहीं चढ़ी हैगी, सारी कोर्ट च जाके स्टे हो जांदीआं ने। उहो जिहा काम असीं करके राजी नहीं हैगे। असीं जो काम करांगे, मान साहब की बड़ी क्लीयर सोच है कि जो भी काम करना है वह पक्के पैरी करना है, ताकि वह किसी भी लैवल के उपर कोर्ट में जाके चैलेंज ना हो सके। कल्ली जिंदाबाद मुर्दाबाद करके काम नहीं चलता है। असी कोई यह काम नहीं करना चाहते हैं जिहड़ा सरकार नियुक्ति पत्र दे ते मुड़ के जाके कोर्टा दे विच फिर किन्ने किन्ने साल सारिया पुछताछ लंघ जांदे ने, उहदा फायदा की है। दिन रात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उन्होंने सारी कैबिनेट और सारे MLA साहबान पूरी ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है कि पंजाब नूं मुड़ दुबारा खुशहाल ते रंगला पंजाब बना सकीए। पंजाब एक लैंडलॉक स्टेट है, इतने कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं हैगी और जमीन महंगिया ने, ट्रांसपोर्टेशन के साधन ने जोड़े वह बाय रोड महंगे बहुत पेंदे ने। यदा एको एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया जो मान साहब ने सोचा वो ये है कि सरकार आप दिया रेलों ने जिड़िया तीन खरीदे ताकि इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है जी सस्ती कॉस्ट कर सके। जे इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी ता ही इंडस्ट्री इतने आऊगी, ता ही रोज़गार पैदा होंगे, ता ही पंजाब की इकोनमी का चक्कर जोड़ा वो मुड़ दुबारा चलूगा। सो हर रोज़ नवे इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ ने जोड़े वो सरकार सोच रही है तो उन्होंने उपर काम कर रही है। तो जदों ये इंप्लीमेंट हो जाते सारे मुल्क के पंजाब पहला यहोजा सूबा होगा कि जिन्ह दियाँ आप दियाँ रेलवे गुड्स दियाँ ट्रेन होंगे। सारे पंजाब में पता है कि पिछले सरकार ने चाहे पहला 10 साल अकाली दल की रही, 5 साल कांग्रेस की रही, पंजाब नूं लुट के खा के सब तो हसदा वसदा पंजाब सी जिहड़ा उहनूं सिउंक वांगू खा के जिहड़े उन्हां नूं तां नहीं बख्शे जाणे हैगे। देखो इस तरह है कि जिन्हें मेरे प्रोटेस्टिंग भैणां भरा ने ये बड़े लंबे समय तो इन्हां दी मंगां ने जिहड़ियां उह पेंडिंग पईआं ने, जैसे सरकार बनी मान साहब ने उस दिन सरकार के मंत्रियों की और अधिकारियों की ड्यूटी ला दी कि इन मसले को किवें हल किया जा सकता है। हुण मसले इन्ने कु उलझे हुए ने कई तो उन्होंने गठन खोलन दे थोड़ा समा तो लगेगा, कई एडमिनिस्ट्रेटिवली उलझे हुए ने, कई कोर्ट केसिस चलते हैं जिदी वजह करके इन्हों हल करने विच कल ही साडी कैबिनेट की मीटिंग सी जिदे विच असीं नवीं भर्तियां ने जिहड़ियां वो थ्रू कीतियां ने, पास कीतियां ने, पंजाब सरकार लगी हुई है। पर जे हुण कोई यह कहे भी जी अज ही एक रात के सारे पंजाब नूं नौकरियां मिल जाएगी वह संभव नहीं होंदा है। अज कर भी दईए, पहला भी सरकार ही करदी रही ने कि जदों इलैक्शन आ गई उदों बोर्ड लवा के अनाउंसमेंटा करतीआं ते मुड़ के कोई सिरे नहीं चढ़ी हैगी, सारी कोर्ट च जाके स्टे हो जांदीआं ने। उहो जिहा काम असीं करके राजी नहीं हैगे। असीं जो काम करांगे, मान साहब की बड़ी क्लीयर सोच है कि जो भी काम करना है वह पक्के पैरी करना है, ताकि वह किसी भी लैवल के उपर कोर्ट में जाके चैलेंज ना हो सके और क्वैश ना हो। सो इस करके थोड़ा समय लग सकता है कि हर रोज़ है जोड़ा वो काम चल रहा है। कल असी 359 जिहड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उन्होंने रेगुलराइज करने का काम है जोड़ा वो की उन्होंने नवी भर्ती करने का काम किया। इस तरीके टीचर्स का एक सैक्शन है जोड़ा जिन्हों खुद कैबिनेट की मीटिंग आप मान साहब ने फोन किया तो उन्होंने अज इनवाइट करके उन्होंने ओके किए कि हाँ तुम्हें नौकरियां मिल रही ने। ये समा थोड़ा लगता होंगे। जे मैं हथ बन के बेनती करूँगा कि जोड़े प्रोटेस्टिंग यूथ है साढ़िया भैन साढ़े भरा ने कि भाई प्रोटेस्ट के राह के कुछ नहीं निकलना है, तुम अपना केस सरकार दसो, कंसर्न मिनिस्टर दसो, CM दसो, तो हल किमें करना है उसके बाद बारे बैठ के डिस्कशन हो, जो डिस्कशन होगी तो कोई ना कोई हल आप कर लेंगे। कल्ली जिंदाबाद मुर्दाबाद करके काम नहीं चलता है। असी कोई यह काम नहीं करना चाहते हैं जिहड़ा सरकार नियुक्ति पत्र दे ते मुड़ के जाके कोर्टा दे विच फिर किन्ने किन्ने साल सारिया पुछताछ लंघ जांदियां ने, उहदा फायदा की है।